And if you ain't talking better, then I'ma cut the phone off. Rap star, but my bros gully with that sauna. Look from Marseille, we don't speak Francais. Trap star, my heart. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस इलेक्ट्रिकल चैनल पर। तो आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है प्लग। तो प्लग में अर्थिंग वाला भाग पोर्शन, उसका थिकनेस मोटा और लंबा क्यों होता है, ठीक है, वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह प्लग, ठीक है, यह प्लग इसमें दो चीज होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा मोटा और दूसरा होता है हमारा लंबा, ठीक है। तो इसमें मोटा इसलिए होता है, इसका रीजन यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घरों या फिर सभी जगह आए हुए होते हैं टावर की मदद से सप्लाई आया होता है, ठीक है। तो इसमें चार वायर होते हैं, ठीक है, तीन फेज होता है कि न्यूट्रल। तो इन लाइनों में एल्यूमिनियम का वायर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या लगता है, 60% होता है, ठीक है। और तांबे का क्यों किया जाता है, तांबे का तो इससे अधिक होता है। तो कॉपर का होता है 8% चालकता होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का चालकता 60% होता है और कॉपर का चालकता 98%। तो इसका यूज क्यों नहीं जाता, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में कॉपर का महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसलिए एल्यूमिनियम की ही भेजा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इन वायरों में बहुत सारे एल्यूमिनियम की परत को एक दूसरे पर लपेट कर मोटा थिकनेस किया जाता है, ठीक। तो उसको मोटा करने का रीजन यह है कि जैसे कि इसमें मोटा करने से इसका रेजिस्टेंस घटते जाता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस जैसे ही इसमें मोटाई करते जाएंगे तो इसका चालकता, एल्यूमिनियम की चालकता 90% तक पहुंच जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सुरक्षा के लिए इस पिन को बहुत ही कम रेजिस्टेंस का होना चाहिए, जिससे धारा आसानी से इसमें फ्लो हो सके। तो इसको मोटा रखने का रीजन यह है कि जैसे कि इसका रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। तो प्लग के अर्थिंग वाले पिन को लंबा जैसे कि इसलिए रखा जाता है कि यह प्लग, मान लीजिए यह मोटर से अटैच है, ठीक है, तो इसमें लीकेज करंट है, ठीक है। तो यह इंसान इस मोटर को छू लेता है तो इसको झटका लगेगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको लंबा कर दिया जाता है कि इसमें यह अर्थिंग वाला पिन सॉकेट में पहले अंदर चला जाए, इस मशीन को पहले अर्थिंग मिल जाए तो सारा लीकेज करंट इस मोटर से होते हुए इस सॉकेट से जमीन के नीचे चला जाए, तो जिससे इस व्यक्ति को झटका नहीं लगता, झटका से लगने से बच जाता है। तो इस प्रकार इस पिन को लंबा रखा जाता है। तो आप इस प्लग को समझ गए होंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।